इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मैं हूं विजय गिरी, आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर से इंडिया आजकल चैनल। सच खबर हर पल आपके सामने, ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंडिया आजकल पे बने रहे। आज हमारी मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र के 3 बार के नगर सेवक, प्रखर समाज सेवक, स्टील व्यवसाय में बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने वाले जन जन के हितैषी श्री हंसु कुमार पांडे जी हैं। आगामी चुनाव की आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है। पांडे जी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी स्पष्ट कर चुके हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ने की अभिलाषा व्यक्त कर चुके हैं। हम श्री हंसु कुमार पांडे जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आगे किस तरह की रणनीति आप अपना रहे हैं, लोगों के साथ किस तरह से मेल मिलाप के साथ आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे। श्री हंसु कुमार पांडे जी। सर देखिए, मैं पिछले 15 साल नगर से उभर चुका हूँ और लोगों ने मुझे कहा कि पांडे जी अब की बार आपको नगर सेवक का इलेक्शन नहीं लड़ना है, अब की बार आपको आमदार का इलेक्शन लड़ना है। मुझ में जो ऊर्जा आई है वो मेरे समाज के, मेरे शुभ चिंतक लोग जिन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा, उसी की वजह से आई है। और मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ। जब से मैंने मन बनाया 145 विधानसभा लड़ने का, तब से लोग इतने खुश हैं और मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उन लोगों का। अभी कल की आपको बात बताएं, हम लोग जहाँ जहाँ गए नवरात्रि में, सब ने इतना उत्साह से मेरा स्वागत किया, मैं बहुत खुश हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान के साथ में लोग मुझे चुन के लाना चाहते हैं। और मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि भाई, जो भी आपकी समस्याएं है इस शहर की, जो पिछले 15 साल में नहीं हुई, सॉल्यूशन नहीं हुआ, उसका मैं आपको 5 साल के अंदर मैं गारंटी देता हूं। मुझे एक मौका दीजिए। आपने सभी समाज के लोगों को, सभी को मौका दिया, एक बार मुझे भी मौका देके देखिए। मैं काम करने वाला इंसान हूं, 15 साल मैंने मेरे कार्यकाल में मैंने अच्छे काम किया है, इसीलिए लोगों का इतना प्यार और प्रतिसाद मुझे मिला है जी। दूसरी चीज़, 145 विधानसभा क्षेत्र उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है। अभी तक इस विधानसभा से किसी उत्तर भारतीय को तवज्जो नहीं मिला है। पहली बार आप उत्तर भारतीय हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से इस मैदान में उतर रहे हैं। उत्तर भारतीयों का किस प्रकार का प्रतिसाद आपके साथ है? सर मेरा समाज, मैं उत्तर भारतीय समाज से ही हूँ और मेरा समाज पूरी तरह से मेरे साथ है, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, उत्तर भारतीय समाज ही नहीं, व्यापारी वर्ग भी, गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, मुस्लिम्स, मैं देखता हूँ कि सब के सब इतने उत्साहित है कि पहली बार उत्तर भारतीय किसी ने ऐसे हिम्मत किया है और एक अच्छे इंसान ने हिम्मत किया है। उनका कहना यही कि पांडे जी आपने हिम्मत किया है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतने ईमानदार से काम करने वाला आप, मेरे ऊपर एक रुपये का भी करप्शन चार्जेस नहीं है, एक रुपये का भी लांछन नहीं है, इसलिए लोग खुश है। उसी हर एक समाज के लोग खुश है कि हंसु कुमार पांडे जैसा व्यक्ति अगर आमदार बन के आता है तो हमारी मैक्सिमम समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे डीम कन्वीनियंस की हो, चाहे वो जो पुरानी इमारतें हैं जिसको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल ही की बात बताता हूँ आपको, 15 साल पहले ये अपने खारी गांव में लता बिल्डिंग गिर गई थी, आपको याद होगा। गिरी जी, आप भी तो बहुत पुराने पत्रकार हो,
तो आपको ये भी याद होगा कि 8 लोग उसमें मर गए थे। आज भी वो बिल्डिंग इसी तरह से, वो जमीन पड़ी है लेकिन उसको एक्स्ट्रा FSI नहीं है, उसके कारण कोई नहीं आता बनाने के लिए। और जो बिल्डर आता है वो बोलता है भाई 2500 रुपया आपसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे और आपको 35-30% कम जगह देंगे। तो आप बोलिए गरीब बेचारे 250 फुट के जगह में रहते थे, आज आप उसको 30-35% कम दोगे तो उसका घर क्या बचेगा? उसने क्या गुनाह किया? अगर इधर आके उसने शहर को डेवलपमेंट करने में आपको शहर को टैक्स दिया, तो वो थोड़ी जानता था कि ये बिल्डिंग इलीगल है लीगल है। हमने तो 15 साल पहले 10 साल पहले 12 साल पहले महानगर पालिका में एक ये भी दिया था, निवेदन भी दिया था कि भाई वन विंडो टैक्स ये रखिए जानकारी देने के लिए कि कौन सी बिल्डिंग लीगल है कौन सी बिल्डिंग इलीगल है। जब लोग जाते हैं तो उनको बोलिए कि पहले आके नगर पालिका में इंक्वायरी करिए कि भाई ये बिल्डिंग लीगल है तो पूरी लीगल है या नहीं है, इलीगल है तो इसका कितना पार्ट इलीगल है। तो हम खरीदने के पहले गरीब लोग ये तो देखें कि भाई अगर ये लीगल है तो हमारा पैसा सुरक्षित है, अगर इलीगल है तो हम उसमें फंसे नहीं। ये नगर पालिका का काम था, और इलीगल बिल्डिंग बनी है तो वो नगर पालिका का लुकआउट है, दैट इज नॉट द लुकआउट ऑफ द पीपल। पीपल का, पब्लिक का लुकआउट नहीं है, पब्लिक बिचारी जानकारी। अब ये पब्लिक को गुमराह भी लोग करते हैं कि भाई हमारे यहाँ 24 घंटा पानी आएगा, जब नया फ्लैट लेने जाते हैं तो 24 घंटा पानी आएगा। अभी वो पाउड़ी का पानी है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी हो किसी को पता ही नहीं रहता। पान नल चालू करके दिखाया पानी है तो हम तो खुश हो गए, हमने फ्लैट ले लिया, आगे चल के मालूम पड़ता है कि वो तो भाई टैंकर का पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पंडित जी, मैं ईश्वर पाल इंडिया आजकल से आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 40 साल से समाज सेवा में हैं और उत्तर भारतीय समाज से आप खुद हैं, लेकिन इस शहर में गुजराती मारवाड़ी 40% उत्तर भारतीयों पर शासन करते आ रहे हैं, ये क्या आपको नहीं लगता कि आपने बहुत देर कर दी? विधायक सभा तो आपको बहुत पहले सोचना चाहिए। देखिए मेरा, मैं नेता नहीं था, मैं आप लोग का भाई हूँ, इस समाज का सेवक हूँ, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ कारणों से हमारे हाईकम में कांग्रेस में था, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ना चाहता था, उस समय भी मैं 15 साल कांग्रेस से ही जीत के आया हूँ, और मैं उस टाइम पे भी 2009 में भी मैंने टिकट मांगा दिया था, मांगा था 146 से, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। थाना से दिलीप धेरेकर को लाके हमारे ऊपर थोप दिया गया, और दिलीप धेरेकर आपको यकीन मालूम होगा कि वो 140 किलो का इंसान था, वो लड़ नहीं पा सकने वाला इंसान था। तो कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म होने का कारण वही हुआ ना कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया कि भाई यहाँ जीत के ही नहीं आए, तो वैसा उसमें मतलब नहीं ना। कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए एक कर्मठ इंसान की ज़रूरत थी, जो मुझे बैकफुट पे डाला गया, तो मैं तो उस बात से थोड़ा नर्वस भी था, फिर इसलिए मैं कुछ सालों के लिए पार्टी से भी अलग रहा। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, इस शहर के विकास के नाम पर नेताओं ने अपना विकास किया है और इससे यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, ऐसी डिसअपॉइंटेड जनता के सामने आप जा रहे हैं एक नई उम्मीद लेकर के, आप कैसे उनका भरोसा हासिल करेंगे? ये आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं है? सर, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है मेरे आने से, लोगों के अंदर ये सोच जाग गई है कि भाई अंशु कुमार पांडे आएंगे तो अवश्य इस शहर का भला करेंगे, क्योंकि उनको ये भी पता है कि ये अनकरप्ट इंसान है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है और ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगा। मैं ये आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास करके लोगों ने खुद का विकास किया, ये बात 200% सही है आपकी। अगर विकास सचमुच हुआ होता तो शायद कोई हिम्मत ही नहीं करता था इन आमदारों के सामने आके खड़े रहने की, क्योंकि उनको मालूम है जीतेंगे नहीं। अब विकास इन्होंने खुद का किया इसलिए इनके पास इतना पैसा हो गया है कि ये भरपूर पैसा फेंक फेंक के लोगों को, गरीब जनता को लुभा रहे हैं। लेकिन जनता होशियार हो गई है, जनता होशियार हो गई, समझ गई है कि भाई नहीं, अगर शहर का विकास चाहिए तो हमें इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।